हेलो फ्रेंड्स एंड माय ऑल नेट एस्पिरेंट्स वेलकम टू ऑल इन बायोलॉजी क्लासेस और फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्लास की जिसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इस क्लास को कंसीडर किया जाएगा एलगी फनजाई एंड आर्कियोबैक्टीरिया तो इस क्लास को आज करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कुछ बनेंगे तो साथ साथ आप नोट डाउन करते चलना इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन जो मैं दूंगा उसको आप नोट डाउन करते रहना और इससे पहले हमारी फ़ाइव क्लासेस आई सी आर एस आर बी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की अपलोड हो चुकी हैं आप आई सी आर नेट की प्ले लिस्ट में जाकर वीडियोज़ देख सकते हैं तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी को पता है लगभग फ़ाइव टू सिक्स डेज़ बाद ये क्लास आ रही है क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी तो उसके बाद हमने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है तो चलिए आगे और एक बात और है कि अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम और बायोलॉजी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस कॉन्टैक्ट पर ओके okay? तो आइए स्टार्ट करते हैं जैसे कि आपको पता है कि हम नोट्स बनाकर आप लोगों लोग स्टडी करा रहे हैं काफ़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों में और काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है एक एक टर्म्स का एक्सप्लेनेशन का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का तो बस आप लोगों का ये है कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिव मिले और हम आपके लिए पूरे सिलेबस का ये वीडियो जो है आई सी आर मिनट आपको कहीं जाना ना पड़े आपको हमारे चैनल से ही पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाए ओके तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एक मिनट चलो यहाँ पर ओके करते हैं तो सबसे पहले है कि एल के बारे में हम पढ़ेंगे ए फेमस बॉटनिस्ट तो आपको एल के बॉटनिस्ट का नाम पढ़ना है एफ ई फ्रिस्ट हैं जो 1935 में इन्होंने क्लासिफाई किया था एलगी को 11 क्लासेस में याद रखना एफ्रिस्ट e. ने नाइनटीन थर्टी फाइव में एल को 11 क्लासेस में क्लासिफाई किया था जो कि पिगमेंटेशन के ऊपर बेस्ड था रिजर्व फूड मटेरियल के ऊपर बेस्ड था फ्लैजिलेशन के ऊपर बेस्ड था और रिप्रोडक्शन के ऊपर ये टर्म्स आप सभी जानते होंगे रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है फ्लैजिलेशन क्या होता है मीन्स फ्लैजिला है या नहीं है रिप्रोडक्शन क्या होते हैं सब जानते हैं आप तो आपको बस इतना याद रखना है कि एफी फ्रिश ने एलगी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन रिजर्व फूड मटेरियल फ्लैजिलेशन एंड रिप्रोडक्शन ओके इसके बाद आइए बात करते हैं क्लोरोफाइसी की तो क्लोरोफाइसी क्लास जो है एक तरह से फ्रेश वाटर एलगी है क्लोरोफिलस है थैलोफाइड्स है क्लोरोफिल बी याद रखना पॉइंट क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइसी में प्रजेंट होता है कैरोटिनॉइड्स आल्सो प्रजेंट्स होते हैं ठीक है थीके? इसके बाद सेलवॉल इज मेडअप ऑफ सेलुलोज तो आपका जो क्लोरोफाइसी है उसमें क्या होता है कि सेलवॉल जो है वो सेलुलोज़ की बनी होती है ठीक है फूड इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और जो फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस एन आइसोगैमस और उगैमस टाइप का होता है आइसोगैमस मतलब आइसो माने सेम और गैमस मीन्स गैमिट तो यहाँ पर आइसोगस सेम गैमिट्स होंगे एन आइसोगस यानी कि एन आइसो मतलब डिफरेंट तो यहाँ पर गैमिट्स डिफरेंट होंगे ओ गैमस मतलब यहाँ पर जो फीमेल गैमिट है वो बड़ा होगा और मेल गैमिट जो है वो छोटा होगा तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट्स का रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी में देखने को मिलता है तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे नोट डाउन कर लीजिए सभी को रिवाइज़ कीजिए टॉपिक्स को ताकि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके एग्जाम्पल्स पर ज़्यादा फोकस करना है तो क्लोरोफाइसी क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स क्लोरेला यूलोथ्रिक्स स्पाइरोरा ये हमारे क्लोरोफाइसी क्लास के एलगी हैं इसके बाद है जैंथोफाइसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है एग्जामिनेशन परपज़ से दीज आर ग्रीन येलो इन कलर इन ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ जैंथोफिल अब जैंथोफाइसी है तो जैंथोफिल की वजह से ही होगा तो जैंथोफिल का जो कलर है वो येलो होता है याद रखना जैंथोफिल पिगमेंट का कलर कैसा होता है येलो होता है ठीक है इसके बाद पायरेनॉइड्स आर एबसेंट पॉइंट याद रखना पायरेनॉइड्स जो होते हैं वो एबसेंट होते हैं जैनथोफाइसी मेम्बर में अगर आपको किसी भी बात पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना अपना डाउट हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे स्टोर्ड फ़ूड इन द फॉर्म ऑफ फ़ैट जेंथोफाइसी में जो स्टोरड फूड होता है वो फैट की फॉर्म में होता है क्लोरोफिल ई e पाया जाता है तो याद रखना कि जो जेंथोफिल है उसमें क्लोरोफिल ई e पाया जाता है इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्यूज़न सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूज़न की हेल्प से होता है और फ्यूज़न किन का होता है टू गैमिट्स का फ्यूज़न होता है जिनमें सीलिया पाए जाते हैं और उनकी सीलिया की लेंथ डिफरेंट होती है तो आई होप आप लोगों को ये लाइन समझ आ गई होगी हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है टू गैमिट्स के फ्यूज़न से होता है एग्जाम्पल्स देख लीजिए इसके माइक्रोस्पोरा वाउचीरिया और प्रोटिस्टो एक तरह से कह सकता हूँ माइक्रोस्पोरा वाउचीरिया और प्रोटिस्टोफोन ये एग्ज़ाम्पल हैं जेंथोफाइसी क्लास के इसके बाद बात करते हैं क्राइसोफाइसी क्लास क्राइसोफाइसी क्लास में येलो ग्रीन पिगमेंट प्रजेंट होता है फाइकोसाइनिन इज़ द कलरिंग मटीरियल तो क्राइसोफाइसी में जो कलरिंग मटीरियल है जो अलगो कलर देता है वो है फाइकोसाइनिन याद रखना क्राइोफाइसी का जो पिगमेंट है वो फाइकोसाइनिन है ओके इसके बाद है इस्टोर फ़ूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ऑयल तो क्राइसोफाइसी में स्टोर फूड मटेरियल ऑयल की फॉर्म में होता है इनसोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है और ल्यूकोसिन की फॉर्म में होता है एग्जाम्पल जो है क्राइसोफाइसी का वो है क्राइसोफेरा ठीक है क्राइसोफेराल की क्राइफाइसी का एग्ज़ाम्पल है इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास की बेसीलरियोफाइसी येलो ग्रीन ब्राउन और ऑलिव ग्रीन कलर का बैक्टीरिया होता है डाई एटोमिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डाई एटोमिन इज़ कलरिंग मटीरियल बेसिलिरोफाइसी का कलरिंग मटीरियल जो है डाई एटोमिन होता है इसके बाद नेक्स्ट है कि पायरेनॉइडस आर प्रजेंट पॉइंट याद रखना पायरेनॉइड्स इसमें भी प्रजेंट होते हैं दीज आर यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ये यूनिसेलुलर होता है और साथ ही साथ नॉन मोटाइल होता है मीन्स नॉन मूवेबल ये मूव नहीं कर सकता ओके okay? इसके बाद कि जो आपका क्लास है बेसिलिरोफाइसी उसमें क्लोरोफिल सी प्रजेंट होता है क्लोरोफिल सी ओके okay, एग्ज़ाम्पल हैं इसका पिनोलेरिया नेविकुला और फ्लैजिलेरिया तो ये तीन एग्जाम्पल हमारे हैं बेसिलरोफाइसी के इसके बाद है नेक्स्ट क्रिप्टोफाइसी क्रिप्टोफाइसी नंबर फाइव क्लास है ये रेड ग्रीन ब्लू ऑलिव ग्रीन और ग्रीन कलर एल्गी होते हैं ईच सेल कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज क्लोरोप्लास्ट तो याद रखना क्रिप्टोफाइसी क्लास के सेल में दो बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं देकर इन फ्रेश वाटर एंड सी तो जो क्रिप्टोफाइसी हैं वो फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और सी में भी मिलते हैं ओके आई होप आप लोगों को नोट्स समझ आ रहे होंगे और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है कोई डाउट है या कहीं पर आपको कुछ मिस्टेक लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस ज़रूर करें इसके बाद है नेक्स्ट डीनोफाइसी डार्क येल्लो और ब्राउन और रेड कलर डेल्गी यानी कि डार्क येल्लो ब्राउन और रेड कलर एलगी होता है स्टोर्ड फूड मटेरियल इसका ऑयल होता है और स्टार्च होता है तो डिनोफाइसी का स्टोर्ड फूड मटेरियल याद रखना लार्ज न्यूक्लियस एंड मैनी डिस्क लाइक क्रोमेटोफोर आर प्रजेंट तो याद रखना कि लार्ज न्यूक्लियस प्रजेंट होता है और डिस्क लाइक क्रोमेटोफोर प्रजेंट होते हैं क्रोमेटो क्रोम का मतलब होता है बच्चों कलर ठीक है तो कलर बॉडी प्रजेंट होती है लेकिन कैसी होती है लाइक एग्ज़ाम्पल है पैरीडीनियम ओके तो यहाँ पर जो डिनोफाइसी का एग्ज़ाम्पल है वो पैरिडीनियम है इसके बाद नेक्स्ट है क्लोरोमोनोडिनी तो नेक्स्ट क्लास है क्लोरोमोनेडिनी तो क्लोरोमोनेडिनी एल्गी की क्लास है जिसमें एल्गी मिलते हैं ब्राइट ग्रीन और ऑलिव कलर के एल्गी ठीक है जैनथोफिल इज अबंडेंस तो क्रोमोनीडिनी में जैनथोफिल बहुत ज़्यादा पाया जाता है स्टोर्ड फूड मटेरियल फैटी एसिड्स होते हैं और एग्जाम्पल होता है इसका वैक्यूलेरिया तो सभी अपने स्टूडेंट्स और सभी फ्रेंड्स को मैं बताना चाहता हूँ कि जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो एक तरह से वो उस परपजस से प्रिपेयर किए गए ताकि आपको डिक्टो क्वेश्चन आई सी आर एस आर बी नेट में मिल जाए ओके इसके बाद है युगलिनी क्लास युगलिनी क्लास जो है माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स इसमें आते हैं क्लोरोफिल प्रजेंट होता है एग्जाम्पल है युगलिना तो कॉमन सी चीज़ थी युगलिनी इसके बाद है फ्योफाइसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्राउन एलगी आते हैं इसके अंदर येलो ब्राउन कलर्ड मेराइन एल्गी तो ब्राउन एलगी कैसे होते हैं मेराइन एल्गी होते हैं ओके नेक्स्ट है फ्यूकोजेंथिन इज द कलरिंग मटेरियल तो फ्यूकोजेंथिन फ्योफाइसी में पाया जाता है क्लोरोफिल ए सी एंड कैरोटीन आर प्रजेंट तो ये प्रेजेंट होते हैं स्टोर्ड फूड मटेरियल इसका लेमिनेरियन मैनीटोल एंड फैट्स होता है लेमिनेरियन स्टार्च मैनिटोल एंड फैट्स इज देयर स्टोर्ड फूड मटेरियल देयर इज नो रेस्टिंग स्टेज इन जाइगोट तो यहाँ पर जब जाइगोट बनता है तो क्या होता है कि इसमें एक रेस्टिंग स्टेज आती है अनफेवरेबल कंडीशन में तो फियोफाइसी के मेम्बर में वो रेस्टिंग स्टेज नहीं होती है ओके इसके बाद है नेक्स्ट रोडोफाइसी रोडोफाइसी में क्या होता है दीज आर रेड इन कलर एक मिनट ओके तो अगेन देख लेते हैं कि रोडोफाइसी जो होता है वो रेड कलर एलगी होता है यानी कि रोडोफाइसी में रेड कलर पाया जाता है ड्यू टू किसकी वजह से तो ये भी देख लेते हैं आगे फाइकोरिथ्रिन पिगमेंट जो है रोडोफाइसी क्लास के एलगी में होता है इसके बाद नेक्स्ट है पाइकोसाइनिन क्लोरोफिल ए कैरोटिन एंड जेंथोफिल आर आल्सो प्रजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो ये वाले पिगमेंट भी सभी स्मॉल क्वांटिटीज में इसमें प्रजेंट होते हैं स्टोर्ड फूड मटीरियल आर फ्लोरिडियन स्टार्च पॉइंट इंपॉर्टेंट है सारे स्टोर्ड फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च होता है फाउंड इन सी वाटर और ये सी वाटर में पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ओगैमस टाइप का होता है क्लोरोफिल डी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रोडोफाइसी क्लोरोफिल डी प्रजेंट होता है एग्जाम्पल पोलिसाइफोनिया एंड बेटरेको स्पर्मम ये दो एग्ज़ाम्पल हैं रोडोफाइसी क्लास के ओके okay. इसके बाद ये भी एक इम्पोर्टेंट क्लास है मिक्सोफाइसी न्यूक्लियस इज़ प्रो कैरियोटिक टाइप इसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रो कैरियोटिक टाइप का होता है क्योंकि इसमें साइनोबैक्टीरिया को इंक्लूड कर लेते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को इसलिए ये मिग्ज़ोफाइसी क्लास है तो ये प्रोकैरियोटिक टाइप का न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाता है ब्लू कलर इज़ ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ फाइकोसाइनिन पिगमेंट तो याद रखना है मिक्सोफाइसी में जो ब्लू कलर होता है वो फाइकोसाइनिन पिगमेंट की वजह से होता है ओके इसके बाद क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीन आर आल्सो प्रजेंट इन स्मॉल क्वान्टिटी तो याद रखना मिक्सोफाइसी में क्लोरोफिल बी और कैरोटीन भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रजेंट होते हैं इसके बाद नेक्स्ट है द एसेसरी पिगमेंट फाइकोसाइनिन फाइकोरिथ्रिन एंड एलोफाइकोसाइनिन कंटेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइकोबिलिन देखो याद रखना कि एक एसेसरी पिगमेंट होता है तो यह डायरेक्ट याद रखना ना एसेसरी पिगमेंट होता है फाइकोबिलिन अब ये क्या होता है फाइकोबिलिन फाइकोबिलिन एक ऐसा पिगमेंट है जिसमें तीन स्ट्रक्चर यानी कि तीन केमिकल्स पाए जाते हैं एक पिगमेंट पाए जाते हैं सॉरी एक फाइकोसाइनिन फाइकोरिथ्रिन और एलोफाइकोसाइनिन ये तीनों के तीनों अंदर इंक्लूड होते हैं किसके फाइकोबिलिन के तो मिग्ज़ोफाइसी में फाइकोबिलिन पाया जाता है पॉइंट याद रखना मिग्जोफाइसी में फाइकोबिलिन पाया जाता है इसके बाद नेक्स्ट है क्लोरोफिल आर फाउंड इन थाइलेक्वाइड्स तो मिग्ज़ोफाइसी में जो क्लोरोफिल है वो कहाँ मिलता है थाइलोकॉइड्स में मिलता है स्टोर्ड फूड मटेरियल इज़ मिग्जोफाइसियन स्टार्च पॉइंट याद रखना मिग्जोफाइसी में स्टोर्ड फूड मटेरियल है मिग्ज़ोफाइसियन स्टार्च एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल लो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया आप सभी के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट तो जो मिक्सोफाइसी क्लास के एलगी हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एबसेंट होता है ओके तो यहाँ पर हमारा एलगी फिनिश होता है इसके बाद चलते हैं फंजाई के लिए एक मिनट फनजाई फंजाई आर यूकैरियोटिक फंजाई यूकैरियोटिक होती है यूनि होती है मल्टी सेलुलर होती है एंड सम आर एक्वेटिक ओके एंड अदर्स आर टेरेस्ट्रियल और स्टिल अदर्स आर एयरबोर्न तो पॉइंट याद रखना टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होते हैं एक्वेटिक सॉरी टेरेस्ट्रियल फंजाई भी होते हैं एक्वेटिक फंजाई भी होते हैं और एयरबोर्न फंजाई भी होते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपने देख लिया यूनि टू मल्टी सेलुलर यानी कि यूनिसेलुलर एलगी भी होता है मल्टी सेलुलर एलगी भी होते हैं और एलगी का जो क्लास है सेल की वो होती है कैसी यू कैरियोटिक ना कि प्रो कैरियोटिक ओके okay? इसके बाद फंजाई बॉडी कंसिस्ट ऑफ ब्रांचड और फिलामेंटस हाइफल फॉर्म तो फंजाई बॉडी में ब्रांचड और फिलामेंटस ब्रांचेस लाइक भी और फिलामेंटस लाइक -like भी हाइपल फॉर्म मिलती है और इसका जब नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो उसे माइसीलियम कहते हैं पॉइंट याद रखना फनजाई में जब हाइफी का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो उसे माइसीलियम कहते हैं ओके द हाइफी आर ए सेप्टेट जो हाइफी है वो ए सेप्टेट होता है यानी सीनोसिटिक होता है और सेप्टेट भी होता है यूनि बाई और मल्टी न्यूक्ट भी होता है पॉइंट आपको समझ आया होगा दोबारा सुन लो एक बार जो हाइफी होते हैं वो ए सेप्टेट होते हैं सपोज दैट ये एक हाइफी है ठीक है तो इस हाइफी के बीच में अगर ये सेप्टा लगे हैं तो वो हाइफी कहलाएगा सेप्टेट हाइफी अगर बीच में सेप्टा लगे हैं दोबारा देख लो अगर ऐसे करके बीच में सेप्टा लगे हैं तो वो हाइफी कहलाएगा सेप्टेट और अगर इस तरह से है और बीच में कोई सेप्टा नहीं लगा है तो वो हाइफी कहलाएगा ए सेप्टेट तो अब आपको समझ आ गया होगा सेप्टेट हाइफी और ए सेप्टेट हाईफी यूनी बाई और मल्टीका मतलब अगर दो न्यूक्लियस हैं तो बाई न्यूक्ट एक न्यूक्लियस है सेप इसके हाइफी के अंदर तो यूनी न्यूक्ट बहुत सारे न्यूक्लियस है हाइफी के अंदर तो मल्टी न्यूक्लियट इसके बाद नेक्स्ट है द फंगल सेल वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ काइटिन कैरिटनाइड आर प्रजेंट द फनजई आर हाइड्रोट्रॉफिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फंजाई हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं आइदर पैरासाइट सेप्रोफाइट और सिम्बायोट्स तीनों कंडीशन में मिलते हैं पैरासाइट भी मिलते हैं सेप्रोफाइट भी और सिम्बायोट्स तीनों कंडीशन में ये हाइड्रोट्रॉफिक कंडीशन में मिलते हैं पैरासाइट वो होते हैं जब फंजाई किसी होस्ट के ऊपर जाकर उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं तो ये पैरासाइट होता है सेप्रोफाइट वो होता है कि जब कोई डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से न्यूट्रिशन लेता है तो उसे सैप्रोफाइट कहते हैं सिम्बायोट्स वो होता है जो किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है और उससे जो है कुछ लेता है और उसको बदले में कुछ देता है तो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रख सकते हैं ओके okay. इन सम फनजाई मैनन्स ग्लैक्टोसंस सॉरी ग्लैक्टिसंस एंड काइटिस आर प्रजेंट तो क्या होता है कि कुछ फनजाई में मैनन्स प्रजेंट होता है ग्लैक्टिसंस प्रजेंट होता है और काइटिसंस प्रजेंट होते हैं ये एक तरह के जो होते हैं सेल वॉल में पाए जाते हैं ठीक है तीनों ऑल द फनजई आर कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स तो सारी फनजाई जो होती हैं वो कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स होती हैं मीन्स एक तरह से ये केमिकल्स की हेल्प से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं ठीक है थीके? इसके बाद स्लाइम मोल्ड्स स्लाइम मोल्ड्स आर कैटेगरी ऑफ फंज़ाई विच आर सिमिलर टू बोथ फंज़ाई एंड प्रोटोजोवा पॉइंट याद रखना कि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो फंज़ाई के कैटेगरी है जो सिमिलर होती है किसके फंजाई के भी और प्रोटोजोवा के भी ओके okay? इसके बाद है नेक्स्ट स्लाइम मोल्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स स्लाइम मोल्ड्स दो तरह के होते हैं सेलुलर सिलाईम मोल्ड्स और ए सेलुलर सिलाईम मोल्ड्स तो जो सेलुलर सेल cell वाला सिलाई मोल्ड्स है उसका एग्जाम्पल है डिक्टियोस्टेलिन पॉइंट याद रखना सारे ए सेलुलर स्लाईम मोल्ड्स का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम तो यहाँ पर जो हमारी चीज़ें चल रही हैं सारी ही एग्ज़ाम परपज़ के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं तो आप सभी नोट डाउन करते रहें और स्टडी करते रहें कन्फ्यूज़न में आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके और एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं ओके मोल्ड्स आर फिलामेंटस फनजाई जो मोल्ड्स होती हैं वो फिलामेंटस फंजाई होती है एसोसिएटेड विद ब्रेड चीज ऑफ फ्रूट्स याद रखना मोल्ड्स जो है कैसी फंजाई है फिलामेंटस फंजाई है डायरेक्टली याद हो जाएगा आपके वैन स्पोर डेवलप एक्जोजिनसली जब फंजाई में स्पोर एक्जोजिनसली बनते हैं मीन्स आउटसाइड द बॉडी एक्जोजिनसली मतलब आउटसाइड द बॉडी तो जब फंजाई में स्पोर आउटसाइड द बॉडी बनते हैं एक्जोजिनसली बनते हैं तो वो कहलाते हैं बेसिडियो स्पोर पॉइंट याद रखना कि जब फनजाई में स्पोर एक्जोजिनसली आउटसाइड द बॉडी बनते हैं तो उन्हें बेसिडो स्पोर कहा जाता है ये टॉपिक आपको थोड़ा सा आगे में मिलेगा ठीक है वैन स्पोर डेवलप एंडोजिनसली तो जब स्पोर एंडोजिनसली एंडो मतलब अंदर जीनस मतलब सिंथेसिस तो जब बॉडी के अंदर बनते हैं स्पोर तो उन्हें कहते हैं एस्कोस्पोर एंड फाउंड इन सेक्कलाइक स्ट्रक्चर एस्कस तो एस्कोस्पोर जो है किसके अंदर मिलते हैं एस्कस के अंदर मिलते हैं एज इन एस्कोमाइसिटीज़ पॉइंट याद रखना एस्कोमाइटिस माइसिटीज क्लास की फंजाई में एस्कोस्पोर मिलते हैं इसके बाद ऊपर वाला पॉइंट दोबारा से रिवाइज़ किया गया है वैन स्पोर इज डेवलप एग्जोजिनसली दे आर कॉल्ड बेसिडियोकार्प फाउंड इन बेसिडियम बेसिडियम क्या होता है क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है ठीक है एज इन बेसिडियो माइसिटीज़ तो आपको ऐसे कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम के पर्पज से इंपोर्टेंट हो सकते हैं जो एस्कोस्पोर है पॉइंट याद रखना एस्कोस्पोर जो है एस्कस में आठ मिलते हैं एट मिलते हैं एस्कस में एट एस्को स्पोर मिलते हैं ओके और दूसरा जो पॉइंट है बेसिडियोकार्प में जो बेसिडियो स्पोर मिलते हैं या आप ऐसे कह सकते हो कि बेसिडियम में ये भी बोल सकते हो बेसिडियम में जो बेसिडियो मिलते हैं उनके नंबर होते हैं फोर और एस्कस में जो एस्को स्पोर मिलते हैं उनके नंबर होते हैं एट तो दोनों को नोट डाउन कर लेना बेसुडे स्पोर फोर होते हैं और एस्को स्पोर एट होते हैं इसके बाद नेक्स्ट है ईस्ट बिलोंग टू एस्कोमाइसिटीज़ तो ईस्ट जो आती है वो एस्कोमाइसिटीज़ क्लास की मेंबर है यूनि होती है रिप्रोडक्शन उसमें बडिंग की हेल्प से होता है एंड दे ग्रो ऑन सुगरी हैबिटेट यानी कि वो सुगर में ही ग्रो कर सकती है जहाँ पर शुगर कंटेंट होगा वहाँ पर ईस्ट अच्छे से ग्रो कर सकती है इसके बाद है बेसिडियोमाइसिटीज ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द दॉयल और ट्रंक ऑफ द ट्री तो जो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास की फंजाई है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो कर सकती है या फिर सॉइल पर ग्रो कर सकती है या ट्री के ट्रंक पर ग्रो कर सकती है यानी कि ट्री का जो स्टैम है उस पर ग्रो कर सकती है ओके इसके बाद नेक्स्ट है डाई कैरियोटिक माइसीलियम आर फाउंड इन बेसिडियोमाइसिटी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि डाई कैरियोटिक जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं तो ऐसा माइसीलियम किस क्लास के मेंबर में मिलता है तो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास की फंजई के मेंबर में डाई कैरियोटिक माइसीलियम पाया जाता है इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई फंजाई आर क्लासीफाइड इन टू डिवीज़न तो फंजई को दो डिवीज़न में क्लासीफाई किया गया है मिक्गजो एंड यू माइकोटा मिग्ज़ो में क्या है फंजाई विद प्लाज्मोडिया और सूडो प्लाज्मोडियम याद रखना है कि मिग्ज़ो में फंजाई प्लाज्मोडिया और सूडो पाया जाता है यू माइकोटा फंजाई में क्या होता है कंसिस्ट ऑफ फ़िलामेंटस स्ट्रक्चर तो दो ही इसके डिफरेंस थे दोनों ही आपको लिखवा दिए कि जो मिग्ज़ो माइकोटा है उसमें प्लाज्मोडिया या सूडो पाया जाता है और जो यू माइकोटा है उसमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इसके बाद यू माइकोटा डिवाइडेड इंटू फाइव मेजर ग्रुप्स मेस्टिगो माइकोटीना जाइगोमाइकोटीना एस्कोमाइकोटीना बेसिडियो माइकोटीना और ड्यूट्रो माइकोटीना तो ये यू माइकोटा के फाइव ग्रुप्स होते हैं ओके इस तरह से हमने एल्गी और फंजाई के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने होते हैं एग्ज़ाम में वो कंप्लीट कर लिए हैं आई श्योर sure कि यहाँ पर आपको दो से तीन क्वेश्चनस इनसे रिलेटेड पेपर में दिख जाएंगे डिक टू क्वेश्चन भी आपको एक दो मिल सकता है ओके okay. इसके बाद है आर्क्योबैक्टीरिया तो प्रीमेटिव टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज़म आर्क्योबैक्टीरिया जो है प्रीमेटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है प्रो कैरोटिक फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन तो ये प्रोकेरोटिक होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं जैसे कि एसिडोफिलस कंडीशन थर्मोफिलस कंडीशन हेलोफिलस कंडीशन तो आप आई सी आर नेट की स्टडी कर रहे हैं आप ग्रेजुएट में पढ़ रहे हैं तो आपको ये कॉमन सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि एसिडोफिलस क्या होता है थर्मोफिलस क्या होता है हेलोफिलस क्या होता है तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा एसिड वाली कंडीशन है वो एसिडिक कंडीशन में आते हैं और जो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म उन पर ग्रो करते हैं वो एसिडोफिलस होते हैं थर्मोफिलस जो ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर uh, वाली हाई टेम्परेचर वाली जगह पर ग्रो करते हैं उन्हें थर्मोफिलस कहते हैं हेलोफिलस जो ऑर्गेनिज्म साल्टी कंडीशन में ज़्यादा ग्रो करते हैं या अच्छे से ग्रो कर पाते हैं उन्हें हेलोफिलस कहते हैं तो इस तरह के कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए ओके मैम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरोल इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ आइसोप्रोनिल ईथर तो आर्क्योबैक्टीरिया की जो मैमब्रेन है एक मिनट आर्क्योबैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है उसमें ग्लिसरॉल आइसोप्रोनिल ईथर्स पाया जाता है इसके बाद दीज केमिकल कंपोजिशन शो रेसिस्टेंट अगेंस्ट एंटीबायोटिक एंड लाइटिक एजेंट्स तो ये जो केमिकल कंपोजिशन है ये रेसिस्टेंसी शो करता है किसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक के अगेंस्ट और लाइटिक एजेंट्स के अगेंस्ट यानी कि जो ग्लिसरॉल आइसोप्रोनिल ईथर है यही आपको याद करना है कॉमन सेंस यूज करना है कि ग्लिसरॉल आइसोप्रॉनिल ईथर्स क्या करता है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट और लाइटिक एजेंट्स के अगेंस्ट क्या दिखाता है ही दिखाता है इसके बाद सेलवॉल लेक म्यूरिन तो सेल सेलवॉल में म्यूरिन नहीं होता है जी प्लस सी कंटेंट ऑफ द डीएनए एन ब्रॉड रेंज फ्रॉम ट्वेंटी फाइव टू सिक्सटी एट परसेंट तो याद रखना है कि जी प्लस सी कंटेंट जो होता है बैक्टीरिया में ग्वानी और साइटोसिन का कंटेंट डीएनए में कितना होता है 25 फाइव टू सिक्सटी एट मोल परसेंटेज होता है बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ सिक्सटीन एस राइबोसोमल आर एन बैक्टीरिया में सिक्सटीन एस राइबोसोमल आर पाया जाता है इसके बाद बैक्टीरिया हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन ऑफ थर्मोफिलिक एंजाइम्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लीचिंग एंड एज़ बायोसेंसर तो यहाँ पर हमने आरक्यो बैक्टेरिया का यूज़ बताया है कि आरक्यूबैक्टेरिया हेल्प करता है बायोगैस के प्रोडक्शन में प्रोडक्शन ऑफ थर्मोफिलिक एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स जो हीट वाली कंडीशन में डी नहीं होते रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के प्रोडक्शन में यूज़ होता है लीचिंग में इसका यूज़ करते हैं बायोसेंसर में इसका यूज़ करते हैं ओके इसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं मिथेनोबैक्टीरियम मिथेनोकोकस मिथेनोजीनियम सारे आपको याद करने हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं मिथेनोगोनियम, मिथेनोलोबस मिथेनोपायरस हेलोबैक्टीरियम हेलोकोकस, सल्फोलोबस थर्मोप्रोटियस पायरिडिक्टियम, थर्मोप्लाज्मा पायरोकोकस थर्मोकोकस पायरोकोकस ओके दो बार हो गया पायरोकोकस कोई बात नहीं तो यहाँ पर जो आज की क्लास थी यहाँ से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये एक तरह से वो क्लास है एलगी फंजई और आर्क्योबैक्ट्रिय यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्ज़ाम में आता है तो आप सब लोग जितने भी हमारे डिफरेंट टाइप्स की एक मिनट जितने भी हमारे डिफरेंट टाइप्स की क्लास चल रही हैं उन क्लासेस को ध्यान से देखें जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन किया है ओके तो पूरी क्लास आपको कैसी लगी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स को शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिले तो हम आपके लिए और बेहतर वीडियो इससे ज़्यादा लेकर आ सकें और आप सभी को बता दें कि कुछ ही दिनों में हम आपको बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन देंगे यानी कि हम जल्द ही बोर्ड पर वीडियो लेकर आने वाले हैं ताकि आप डायरेक्टली लाइव क्लासेस आई सी आर एस आर नेट की ले सकें ओके फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास क्लास सेवन में जिसमें हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में तो जो क्लास सेवन होगी हमारी उसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज़म ख़त्म हो जाएंगे ठीक है तो उसके बाद फिर हम अपनी टेक्निक्स स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन फनजय आइडेंटिफिकेशन तो वो टेक्निक्स पढ़ेंगे ओके फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर स्टडी करते रहिए क्योंकि नेट की डेट कभी भी आ सकती है और फिर उसके बाद सिर्फ टू टू थ्री मंथ का प्रोसीजर होता है और नेट एग्ज़ाम की डेट भी आ जाती है ओके तो बाय एंड टेक केयर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल टू सपोर्ट बायोलॉजी क्लासेज बाय जगमोहन सर